फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पहला बैसाख मेकअप लुक जो इंस्पायर है सिंपल टिप्स अनवेसा दी से। तो चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को प्राइम करने के लिए यहाँ पे बेदी हर्बल्स का ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। आपके पास अगर प्राइमर ना हो तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं जो ऑयल कंट्रोल हो, क्योंकि समर में बहुत फेस ऑयली हो जाता है ड्राई स्किन वाले लोग का भी। और फिर मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ, ये भी ऑयल कंट्रोल है लैक्मी का। इससे ये बहुत अच्छा है ऑयली स्किन वालों लोग के लिए भी और ड्राई स्किन वालों लोग के लिए, क्योंकि चिपचिपा नहीं होता है। और फिर मैं यहाँ पे हेवी मेकअप नहीं कर रही हूँ, सो इसीलिए मैं सिंपल मेकअप कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं पोन्स का बीबी क्रीम लगा रही हूँ, ना कि कोई फाउंडेशन। पोन्स का बीबी क्रीम अमेजिंग है गाइस, आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। और फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। मुझे बंगाली नहीं आती है गाइस, सो सॉरी। और वैसे मैं रहती हूँ बंगाल में ही, बट मुझे बंगाली नहीं आती। और फिर मैं इसे डैप डैप करके एज अ कंसीलर भी अपने अंडर आई और डार्क स्पॉट पे लगा लूँगी जहाँ जहाँ हैं। आपके पास कंसीलर है तो आप कंसीलर लगा ले अच्छी तरीके से, फिर इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ले। और कंसीलर या बीबी क्रीम या फाउंडेशन कुछ भी लगाए पर उसे सेट जरूर करे, या फिर लूज पाउडर से सेट करे या कोई कॉम्पैक्ट से सेट करे। मैं आईब्रो को अपने सेट करने के लिए मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ और ये जस्ट 55 रुपीज़ का है। और इसे अपने आईब्रो को फिल कर ले जहाँ जहाँ गैप है। और मेरा सेट है डार्क ब्राउन, ये बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है। और आई मेकअप की तरफ चलते हैं, तो मैं इसमें से डार्क ब्राउन कलर का सेट लेके अपने न्यूड कलर का सेट लेके अपने आई लिड पर लगाऊंगी, पूरे आई लिड पर लगा लूँगी इसे अच्छी तरीके से। उन्होंने कोई ज़्यादा आई मेकअप नहीं किया था। और फिर मैं एक सिमरी सा आई शेडो लेके अपने आई लिड पे उसके ऊपर से लगाऊंगी। और उन्होंने न्यूडी कलर लगाया था, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। और इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ले ताकि कोई हार्स लाइन एचेस ना रह जाए। और फिर मैं यहाँ पे NYB का काजल लगा रही हूँ, करीना कपूर इंस्पायर्ड काजल उन्होंने लगाया था। और मैं यहाँ पे NYB का लगा रही हूँ और उन्होंने प्लम का लगाया था आई थिंक। बहुत अच्छा काजल है गाइस, इसका रिव्यू भी आएगा इसके बाद। अब मोटा सा करके लगा ले क्योंकि ये करीना कपूर इंस्पायर काजल है गाइस। और इसे ही एज अ आई लाइनर भी लगा ले, मैंने दोनों आई पे लगा ली और थोड़ा सा रिंग निकाल दी, सेम दोनों आई पे कर लूँगी। और फिर मैं कंटोर के लिए ये वाला सेट ले रही हूँ अपने फेस को कंटोर करने के लिए। अगर आपके पास कोई कंटोर नहीं है अलग से तो आप कोई भी न्यूड आई शैडो कलर लेके अपने फेस को कंटोर कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट आपके पास होए, आप किसी भी प्रोडक्ट से मल्टी करके उसका यूज़ कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ले ताकि आपकी फेस थोड़े से पतली पतली दिखेगी, क्योंकि बंगाली लोग का फेस थोड़ा सा गोलू मोलू सा होता है। और फिर मैं ब्लश के लिए ये वाला यूज़ कर रही हूँ हिलारी हुडा के पैलेट से, पिंक सा एकदम बेबी पिंक कलर। और फिर मैं हाइलाइटर के लिए ये वाला कलर, इसी से मैं हाइलाइटिंग करती हूँ अपने मेकअप ट्यूटोरियल में हमेशा। और मैं क्यूपी बोन्स, चिक बोन्स, नोज पे, अपने फोरहेड पे, चीन पे, हर जगह लगा लूँगी हाइलाइटर। जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ वहाँ लगा ले, थोड़ा सा फेस ग्लो ग्लो करेगा आपका। और फिर मैं मस्करा लगा रही हूँ, स्विस ब्यूटी का मस्करा है। समर में कोई भी प्रोडक्ट वाटर प्रूफ जरूर ले। और फिर मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी का लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ रेड कलर का। रेड कलर लगाने से सीधे आपका फेस हाईलाइट करेगा। और फिर मैं बिंदी लगाई हूँ एक और अपना इयररिंग पहन ली हूँ। आपको जो इयररिंग पहनना है आप पहन ले। इसके साथ मेरा मेकअप लुक कंप्लीट होता है गाइस। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को और शेयर जरूर कीजिएगा गाइस। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते RG अनामिका शर्मा। सो बाय गाइस एंड लव यू ऑल।